हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? होप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट इसीलिए परेशान है कि ये सामर्थ पोर्टल कहाँ से ला दिया और हम रजिस्ट्रेशन कर नहीं पा रहे। हमारी समस्या कैसे कौन सुनेगा, जरा ये बता दीजिए। और इसी बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सामर्थ पोर्टल पे आईडी बनाने की जो लास्ट डेट है वो भी फिक्स कर दी है। कब है लास्ट डेट आपको बता दूं, 9 तारीख लास्ट डेट है, मतलब 9th अक्टूबर 2024 तक हर हाल में सभी बच्चों को अपना सामर्थ पोर्टल पे आईडी बनाना है, ठीक है। अब कई बच्चों का ये सवाल रह रहे हैं कि भैया मेरी सामर्थ पोर्टल पे आईडी नहीं बन पा रही है क्योंकि ईमेल आईडी पे ओटीपी नहीं आ पा रहा है, इस संबंध में हम क्या करें, या मेरे नाम में कुछ करेक्शन है, मेरा एनरोलमेंट नंबर नहीं मैच कर रहा है या इनवैलिड लिख के आ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट क्या करें। तो जो भी स्टूडेंट, देखो, ऐसी अगर कोई समस्या है आपके सामर्थ पोर्टल पे आईडी क्रिएट करने में, ऐसा कोई समस्या हो रहा है, तो इसके लिए आपको जाना अपने कॉलेज, अगर आप अफिलिएटेड कॉलेज से होगे, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस से होगे तो आपको जाना अपने डिपार्टमेंट, ठीक है। और उन लोगों को आपको क्या करना होगा, इन्फॉर्म कहना होगा कि भैया मेरे ईमेल आईडी गलत है जिसके वजह से मेरे मतलब सामर्थ पोर्टल का ओटीपी नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन में डिपार्टमेंट आपसे आपका ईमेल आईडी मांगेगा, एनरोलमेंट नंबर मांगेगा और एक अप्लीकेशन मांगेगा। इसी तरीके से कॉलेज वालों को भी सेम यही करना है, उनको बताना है, उनको एक अप्लीकेशन लिख के देना है और उनको सारी डिटेल बतानी है, ठीक है। और कॉलेज वालों में ये भी कहा जा रहा है कि कॉलेज वालों को ग्रुप में सर्कुलेट किया गया है, तो वो ग्रुप में भी बच्चे मैसेज कर दें कि हमारा ईमेल आईडी में ये समस्या है जिसकी वजह से मैं ओटीपी रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ और आईडी नहीं बना पा रहा हूँ, तो ये असुविधाएं हो रही हैं। तो इस चीज को आप अपने कॉलेज वाले डिपार्टमेंट वालों को बताओ, यूनिवर्सिटी जाने का कोई मतलब नहीं है, तो वो लोग आपकी समस्याएं का समाधान करेंगे और 9 तारीख से पहले ये सारे काम खत्म कर लेने हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पूरा प्लान बच्चों कर लिया है। प्लान क्या है यूनिवर्सिटी का, कि इस बार दिसंबर वाला जो परीक्षा होगा वो सामर्थ पोर्टल के ही थ्रू कराएंगे। तो सामर्थ पोर्टल की बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों, चाहे वो अब कुछ दिन में सारी फीस जमा होंगी, कॉलेज वालों के जो एक्स्ट्रा पैसा लेते थे वो सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी ने पूरा प्लान कर लिया है कि भैया सामर्थ पोर्टल पे हम सारी चीज़ें कराएंगे, और बस अभी आपको बस एक ही काम दिया गया। कई बच्चे कह रहे हैं कि भैया ए बी सी आई डी लिंक नहीं हो रहा है, ठीक है, कई लोगों का ये सवाल रह रहा है कि ए बी सी आई डी हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आपको ना ए बी सी आई डी लिंक करिए ना कुछ, अभी बस आपको क्या करना है, बस आपको अपना सामर्थ पोर्टल पे आईडी बनाना है बच्चों, ठीक है। जैसे आईडी क्रिएट हो, पहले क्या है रजिस्ट्रेशन का कॉर्नर है, रजिस्ट्रेशन में आपसे कहा जा रहा है 2024 वाले बच्चे, और 2024 में कौन बच्चे, तो देखो पहले सेमेस्टर वाले जो कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में जैसे कोई सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ा, ठीक है, कोई बोरा इंस्टीट्यूट में पढ़ा, कोई गोयल में पढ़ा, अगर आप पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, वो कॉलेज वाले अपना डेटा भेज के यूनिवर्सिटी को सामर्थ पोर्टल पे कराएंगे। कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो तो तीसरे सेमेस्टर, पांचवें सेमेस्टर, सातवें सेमेस्टर अगर एलएलबी कर रहे होंगे, और फिर नौवें सेमेस्टर, इन बच्चों का डेटा जो होगा उनको सामर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है सभी कोर्स में। और जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो यूनिवर्सिटी में चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे फिफ्थ में हो, चाहे टेंथ में हो, इलेवेंथ में हो, जैसा हो है उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी वालों को करना है। तो सामर्थ पोर्टल में बस आपको दो ही काम करना है, बस लॉगिन आईडी क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद एक बार लॉगिन कर लेना है, फिर काम खत्म। जैसे उनके पास लॉगिन काउंट आ जाएगा कि हाँ इतने बच्चे, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपलेटेड पूरे कॉलेज में 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 5 लाख बच्चों ने में से अगर 3 लाख 4 लाख बच्चे आईडी बना लिए तो बस तुरंत एग्जाम फॉर्म रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब लॉगिन काउंट बढ़ जाएगा तो एग्जाम फॉर्म रिलीज हो जाएगा, और एग्जाम फॉर्म भी पूरी कोशिश है यूनिवर्सिटी की कि भैया सब कुछ सामर्थ पोर्टल से कराया जाए। फिर भी आपको अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो हमने आपको एक सोल्यूशन बताया था कि आप हमारे मोबाइल ऐप एलई अपडेट ऐप को डाउनलोड करिए और चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, सारी समस्याओं का समाधान हम कर देंगे। लेकिन आज भी हम आपके साथ सोच रहे हैं कि एक मीटिंग कर लें, आप सभी की बातें सुन लें, ठीक है, जिसमें आप अपनी समस्याएं पूछ लो। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, गूगल फॉर्म में मेरे को 3 डिटेल चाहिए कि आपका नाम क्या है,
आपका व्हाट्सएप नंबर का क्या है जिसमें मैं आपको लिंक भेजूंगा, ठीक है, और साथ में आप किस कोर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, और कौन सा आपका सेमेस्टर है, ये सारी डिटेल हमको एक गूगल फॉर्म में आपसे चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक को मैं पिन कर दूंगा, यहाँ पे आप मुझे डिटेल भेजिए। होपफुली कोशिश करूंगा कि आज रात के 9 बजे के बाद से, मतलब 9 बजे के बाद से आप सभी के साथ मैं एक मीटिंग करूँ जिसमें कम से कम 200-300 जो जिन लोगों की भी समस्या है उन सबकी समस्या मैं गूगल मीट पर करके सभी के समस्याओं का समाधान मैं कर दूं, पर्सनली आपसे बात कर दूं और आपकी समस्याएं भी सुन लूं, ताकि सामर्थ्य से रिलेटेड अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगे तो मैं अपने स्तर से, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना हो, चाहे आपके कॉलेज से बात करना हो, हर जगह से बात करके आपकी सारी समस्याएं ख़त्म करा दूं, ठीक है। तो ये हो गई, बाकी बात रह गई आपके सेमेस्टर एग्जाम की, तो सेमेस्टर की तैयारी में ढील मत पड़िए भैया, मैं बता दे रहा हूँ क्लियरली सारे नियम कानून बदल गए हैं, तो आपके सेमेस्टर के भी पेपर बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर डरोगे, मतलब अगर अभी टेंशन फ्री रहोगे तो बाद में आपके लिए घातक होने वाला है, ठीक है। तो अभी से मेरी बात मान लो, आप अपने सेमेस्टर की तैयारी के ऊपर थोड़ी सी प्रायोरिटी दो, ठीक है, कम से कम पढ़ना शुरू करो, कॉपी लिखना शुरू करो, नहीं तो एग्जाम में गए लिखना है 23-24 पेज, लिख नहीं पा रहे, पेन धीरे चल रहा है, भैया ऐसे का आंसर समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें सभी सेमेस्टर की तैयारी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीएलएलबी, इन सभी के सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी आपको एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे कराई जाती हैं। आप एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे आप बैच इनरोल कर लो, ठीक है, अभी इनरोल करते हो आपको तो 20% डिस्काउंट भी मिल जाता है, 20% डिस्काउंट मिलने के बाद आप सारे बैचेस इनरोल कर लो और अपनी तैयारी अच्छे से करो, जहाँ पे आपको किसी भी सब्जेक्ट की बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरे गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, जल्दी से जल्दी अपने बैच इनरोल कर लो, और हाँ, ताकि सेमेस्टर की तैयारी आप एकदम बढ़िया से कर सको। हो बच्चों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और हाँ धन्यवाद कि आज हम लोगों के 50 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, बीच में बहुत सारी परेशानियां थी, एक बार 300 400 500 सब्सक्राइबर अपने आप गिर गए, तो हमने सोचा यार ये कोई खेल ही कर रहा है, तो फिर हम लोगों ने सोचा छोड़ो अपना काम करते हैं, सब्सक्राइबर तो बढ़ ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आज तक कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है, हर स्टूडेंट की हर समस्याओं का समाधान किया है, तो चिंता करने की बात नहीं है बच्चों, कोशिश करेंगे हर संभव आपकी मदद करें, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके अपने सेमेस्टर बैचेस इनरोल कर लीजिएगा। आइए मिलते हैं रात को 9 बजे आप सभी से, करते हैं आपके सभी के डाउट सॉल्व। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।